Let us begin our discussion on HCL Tech share with the latest news. HCL Tech named a Titanic partner in Intel Network Builders Winner Circle 2021. HCL has received this recognition for its contribution to acceleration of 5G, edge and virtual network transformation. Now, before we move to the price chart of HCL Tech share, let us have a broader outlook for the fundamentals of HCL Tech. HCL Tech एक लार्ज कैप स्टॉक है दोस्तों, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,17,879 crores. पाई स्टॉक की स्कोर इसका 6 है, जो एवरेज फाइनेंशियल्स को इंडिकेट करता है. आरओसी अगर देखें लास्ट 3 इयर्स का एवरेज तो 25.3% है, जो अच्छा नजर आता है दोस्तों. इसका अल्फा जो है एक साल का वो है +9.6%. तो इसने बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है. और वहीं बीटा अगर देखें एक साल का तो 0.81 है, तो काफी लो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है. टीटीएम बेसिस पे अगर पीई रेशियो को देखें तो 27.6 है, जो सेक्टर के मीडियन से कम है दोस्तों. पीबी रेशियो भी 5.29 है, जो सेक्टर के मीडियन से कम है. तो वैल्यूएशन टर्म्स में ये फेवरेबल नजर आता है. अगर प्रेजेंट प्राइस देखें स्टॉक की तो वो 2/3 टेंजिबल बुक वैल्यू पर शेयर से कम नजर आता है दोस्तों. और कंपनी का जो टोटल डेट है वो बुक वैल्यू से कम है दोस्तों. और टीटीएम बेसिस पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एक कंसर्न का विषय है, क्योंकि वो नेगेटिव में है. स्ट्रेटवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और HCL Tech शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर संभावनाओं को तलाशते हैं कि क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं. HCL Tech के शेयर की एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से. तो दोस्तों यहां पर देखें कि मासिव इंपल्सिव वेव के बाद ये जो करेक्शन की शुरुआत हुई, तो लास्ट मंथ में नवंबर में एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ, जो इंडिकेट करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट है. इसके अलावा अगर हम इसके रिट्रेसमेंट को चेक करें तो प्राइस कहीं ना कहीं 38.2%, जो कि एक डेरिवेटिव गोल्डन रेशियो का, वहां पर सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है. और करंट मंथ की कैंडल को देखें, वैसे करंट मंथ अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसमें बाइंग आती हुई नजर आती है. तो क्या ये वन वाइट सोल्जर बनेगा या फिर मॉर्निंग स्टार बनेगा, ये तो समय बताएगा दोस्तों. फर्दर बढ़ते हैं वीकली चार्ट की तरफ, ताकि प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से हम समझ सकें. अब हम रेफर कर रहे हैं HCL Tech शेयर के वीकली प्राइस चार्ट को दोस्तों. हम देख सकते हैं एक मासिव इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन यहां भी नजर आ रहा है. अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चेक करें तो प्राइस ने एक सपोर्ट लिया 61.8% पे, जो कि गोल्डन रेशियो है. और इस फॉर्मेशन को देखें, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट है, और ये एक रेजिस्टेंस थी लाइन. तो एक कहीं ना कहीं राइजिंग वेज का जो ब्रेकआउट हुआ था, तो रिट्रेसमेंट के बाद अपर फाइबर में प्राइस ने सपोर्ट लिया. और जो वीक की शुरुआत हुई 29 नवंबर को, तो यहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया. और पिछले 2 वीक से अगर हम देखें ध्यान से दोस्तों, तो प्राइस ईएमए 21 के ऊपर में सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है. बट एट द सेम टाइम यहां पर जो 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल है, ये एक इमीडिएट टर्म्स में रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है, जो करीब 1193 से 1194 पे नजर आ रहा है. तो अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है तो हम बोल सकते हैं कि इस करेक्शन की समाप्ति हुई और ट्रेंड का रिजम्पशन होने की पॉसिबिलिटी नजर आती है. तो एक बार प्राइस का ये रेजिस्टेंस टेकआउट हो गया तो कहां तक जाने की संभावना है, चलिए इसे चेक करने की कोशिश करते हैं. तो ये प्रायर इंपल्सिव वेव के फिबोनाची एक्सपांशन से अगर चेक करें, तो इसके 1450 से 1460 तक का नेक्स्ट पॉसिबल मूव हो सकता है दोस्तों. अब चलिए डेली चार्ट में चलते हैं, ताकि HCL Tech शेयर के
रीसेंट प्राइस एक्शन को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। टेक शेयर के जब डेली प्राइस चार्ट को हम रेफर करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये आता है, करेक्शन के बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया यहां पर और उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट यहां नजर आ रहा है और ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 17 दिसंबर 2021 को एक डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम में भी इंक्रीज देखा जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जब गिरावट दर्ज की गई थी तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो चुका था, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है अभी भी बुलिश है और इंटैक्ट नजर आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर रिस्क कम नजर आ रहा है और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी अच्छा नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, तो करंट कैंडल को देखें जो एक EMA 55 के ऊपर में रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है, इसका हाई है 1182.75। तो 1182.75 पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के अगर हम एक GTD ऑर्डर क्रिएट करें, बाय लिमिटेड स्टॉप ऑर्डर, और वो ट्रिगर अगर हुआ तभी हम इस ट्रेड में आएंगे, अन्यथा इस फॉल्स मार्केट सिचुएशन को या फॉल्स ब्रेकआउट को लार्ज एक्सटेंट तक हम अवॉइड करने में सफल होंगे। किस तरह से हम फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करते हैं या GTT ऑर्डर को किस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के क्रिएट करते हैं, ये सारी बातें जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में जो ट्यूटोरियल वीडियो है, अगर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर तरीके से आप सीख रहे हैं तो उन सारी चीजों की चर्चा उसमें की गई है। तो दोस्तों ये एक अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है जो प्रोबेबली आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन की यहाँ समाप्ति होती हुई नजर आ रही है, तो रिस्क छोटा है और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा हो सकता है। अगर ध्यान से देखें तो इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड के रिवर्सल में अगर हम यहाँ देखें तो लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, यहाँ हेड का फॉर्मेशन किया और ये देखिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं नेक लाइन पर रेजिस्टेंस ले रही है प्राइस, जो एक कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का, और इसीलिए इस कैंडल के हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लगा के हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी एंट्री की, ताकि हम प्रिसाइज एंट्री कर सके। और वो अगर ट्रिगर होता है तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो पहला टारगेट 1244 का और उसके बाद 1283-84 का टारगेट निकल के आ रहा है। टारगेट तो नोशनल होते हैं, ट्रेंड को राइड करना एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बेस्ट स्ट्रेटजी होगी और ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके हम प्राइस चार्ट पे रख सकते हैं जो एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है विथ मल्टीपल टच पॉइंट्स। तो इस ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं ट्रेंड को राइड करने में एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में, ताकि आने वाली इंपल्सिव वेव का हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और रिस्क छोटा रखते हुए एक हायर रिवार्ड के पोटेंशियल की तरफ काम कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।